खुद एक लोगों में से निकले हुए नेता हैं। आम आदमी पार्टी की यही खूबी है कि वो लोगों में से नेता निकालते हैं, आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका मिलता है। मनोज जी, अगर सब कुछ ठीक रहा जिस तरीके से चल रहा है, तो मनोज जी 4 जून को देश की पार्लियामेंट, जो सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है, उसकी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। अच्छे लोग अंदर जाएंगे तो अच्छे कानून बन के आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने रोकने की कोशिश की है कि वो प्रचार ना कर पाएँ, वो बाहर ना आ पाएँ। ये बहुत ही देश में इसका रोष मनाया जा रहा है कि ये गलत बात है। आप अगर आपको अपनी लहर पर इतना यकीन है कि आपकी लहर है, बीजेपी की लहर है, तो आप फिर खासतौर पे नॉन बीजेपी जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हो, किसी को ईडी का छापा मरवा रहे हो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन रहे हो, किसी का खाता फ्रीज कर रहे हो, तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। तो लोग, 140 करोड़ लोगों का देश है असम के लोग, असम और पंजाब का कल्चर बहुत मिलता है। यहाँ आप लोग त्यौहार मनाते हो, हम भी उतने ही त्यौहार हमारे हैं, यहाँ भी सब लोग त्यौहारों में शामिल होते हैं, हम भी होते हैं, तो कल्चर बहुत मिलता है। और यहाँ भी इनकलाब आते हैं, जब भी आते हैं तो असम से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में भी इनकलाब के लिए जाना जाता है, पंजाब तो जाना ही इनकलाब के लिए जाता है। तो अच्छा लगा जाके असम में, और हमारी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। आपका कुछ सवाल हो तो बता। सर, ईडीएलएस का भी एक कैंडिडेट है यहाँ पे, और बीजेपी का भी है और आपका भी है, तो मेन फाइट किसके साथ होगा, क्या सोचते? देखो, फाइट तो हमारी करप्शन के साथ है, फाइट हमारी जो फेवरिज्म है, जब आप समझ लो कि परिवारवाद है, उसके खिलाफ है। अब अगर मुख्यमंत्री के अपने स्कूल होंगे प्राइवेट, तो वो सरकारी स्कूलों को क्यों चलने देगा फिर? 8,000 स्कूल बंद कर दिए यहाँ पे, क्यों भी? दिल्ली में भी ऐसी हालत थी जब अरविंद केजरीवाल जी ने संभाला था, पंजाब में भी ऐसी हालत थी 2 साल पहले, लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया। वहाँ पे मतलब बैठने के लिए फर्नीचर से लेके बाथरूम से लेके सब काम किया, शिक्षा का बजट बढ़ाया। उसके बाद आज लोग प्राइवेट से निकाल कर सरकारी में दाखिल करवा रहे हैं बच्चों को, क्यों? उनको यकीन हो गया। तो यहाँ अगर जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। अगर बिजनेस मुख्यमंत्री करेगा तो फिर वो और किसी बिजनेस को क्यों बढ़ने देगा भाई? तो पहले ये तो स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं आज से 20 साल पहले, तो चाहते तो आज तक हॉस्पिटल असम के और स्कूल असम के ठीक हो जाते। असम वालों को पीजीआई ना आना पड़ता चंडीगढ़, बहुत लोग आते हैं असम से पीजीआई में इलाज कराने के लिए, क्योंकि है ही नहीं आसपास कुछ। तो लोगों को ऐसे लावारिस छोड़ रखा है, इसका जवाब देगी जनता इस बार। दिल्ली में भी करते हैं, दिल्ली में तो अमित शाह जी पर्चे भी बांटते हैं घर घर, सीटें कितनी आती हैं, वहाँ तो कभी नहीं लिखा दिल्ली में इन्होंने कि अब की बार इतनी पार, क्योंकि उनको पता होता है अब की बार यमुना पार, बस उनके पास 6-7 सीटें आती हैं, वो भी यमुना पार से आती हैं, ठीक है ना। तो गृह मंत्री जी वहाँ भी पर्चे बांटते, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इससे पहले डिब्रूगढ़ नहीं आते थे, जब आम आदमी पार्टी का तब आया प्रचार करने? चलो, हमारी वजह से आ गए, लोगों ने दर्शन तो कर लिए कि गृह मंत्री कैसा होता है। चलो, हमारे डर की वजह से मान लो, चलो कई बार जो छोटी पार्टियां हैं या नई पार्टियां हैं वो नंबर में कम रह जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का एजेंडा तो रीसेट करा देती है ना। इससे पहले ये मैनिफेस्टो कहते थे, संकल्प पत्र कहते थे, घोषणा पत्र कहते थे, अब गारंटियां क्यों कहने लगे जब से अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू किया? जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। अब गारंटियां दे रहे हैं जी, हम गारंटी दे रहे हैं जी, क्योंकि मैनिफेस्टो क्यों नहीं कहते, संकल्प पत्र क्यों नहीं कहते अब? चलो कोई बात नहीं, हमारे डर से सही, कोई गारंटी तो दे दो, पूरी तो कर दो, जुमले मत सुनाओ प्लीज। सर, एरेस्ट के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जो एरेस्ट है, आप लोग बहुत बता रहे हैं, बीजेपी अलग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में तो सही बता रहे हैं, इसके बारे में क्या बात? देखो, ये टाइमिंग तो देखो ना पकड़ने की, 2 महीने पहले यही बातें वो बीजेपी वाले बोल रहे थे, उनके स्पोक्स पर्सन, अरविंद केजरीवाल को अंदर करना है, अंदर करना है, अंदर करना है, इलेक्शन के समय अंदर कर दिया,
कि वो प्रचार ना कर पाए, तो लोग इसका बुरा मना रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं, हम कोर्ट पे हमारा हमें यकीन है जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे जहां तक हमें जाना पड़ जाएंगे। लेकिन उसी केस में फिर संजय सिंह को तो जमानत मिल गई, उसी केस में ईडी कह रही है जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दीजिए। उसी केस में कह रहे हैं हमारे पास तो बहुत सबूत हैं, छह महीने बाद जब इलेक्शन हो गए ना, छह महीने बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहेगी ईडी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी, वैसे अंदर करना था। तो ये गलत है, विपक्ष को आप अंदर रख लिया, शिवसेना का आपने चुनाव चिन्ह छीन लिया, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, विजयन जी को तंग कर रहे हैं, तमिलनाडु का राज्यपाल उसकी बात नहीं मान रहा मुख्यमंत्री की, ममता दीदी को तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूँ अपने पैसे लेने के लिए जो पंजाब का हक बनता है 8,000 करोड़ रुपया RDF और NHM का। तो ये तो गलत है कि ये देश सिर्फ उन्हीं राज्यों का थोड़ी है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हमने तो देश लेके दिया भाई साहब, 80% कुर्बानियाँ तो हमारी पंजाबियों की है ना, तो हम ही देश से ऐसे मतलब मांगना पड़े कि हमारा हक जो है, GST मेरा हक है क्यों नहीं दे रहे, RDF मेरा हक है क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में तो बीजेपी कभी जिंदगी में भी नहीं आ सकती। तो करने दो, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कांग्रेस ने यहाँ पर दो चैनलों को बैन किया है, एक टाइम और एक न्यूज़ लाइव, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कांग्रेस ने क्या किसको, ये सीएम का खुद का चैनल है सर, फिर सीएम का खुद का चैनल, तो ये तो पंजाब में भी था, पंजाब में सीएम का खुद का चैनल PTC, उन्होंने बहुत बहुत तारीफें की और हमें मतलब जितना उनका जोर चलता हमारी निंदा की, लेकिन लोगों ने तो 92 सीटें हमें दे दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक TV चैनल है अगर आपके पास तो आप लोगों का मन बदल दोगे, जब लोग मन बनाते हैं तो बनाते हैं बस। देखो अगर देखो इनका बस चले तो कभी से कब से कर दें, ये तो 5-7 स्टेटों में लगा दें राष्ट्रपति शासन, मुझे 356 की धमकी दे चुके हैं राज्यपाल लिखती तौर पर कि अगर आप मेरे फलां फलां सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं 356 रिकमेंड कर दूंगा। हाउ डेयर दे आर कि ये राष्ट्रपति राज लगा देंगे, ऐसे इलेक्टेड की चलती है या सिलेक्टेड की चलती है, LG और गवर्नर्स आर सिलेक्टेड, मुख्यमंत्री आर इलेक्टेड, सो डेमोक्रेसी इलेक्टेड की होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो चुनाव है ये सिर्फ जीत हार का नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का चुनाव।